पता है एआई को इतना खतरनाक क्यों बताते हैं? 2017 में जापान की बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी ने 4 रोबोट ऐसे बनाए जिनको बनाकर उन्होंने मिलिट्री को सौंपना था, लेकिन उन रोबोट्स ने ड्यूरिंग टेस्ट लैब के अंदर ही 29 लोगों को गन से शूट करके मार दिया। फिर उस कंपनी ने 2 रोबोट्स को तो बंद कर दिया, तीसरे रोबोट को डिसमेंटल करके रख दिया। जो चौथा रोबोट था वो सबसे ज्यादा स्मार्ट था, वो अपने आप को ऑर्बिटॉन सैटेलाइट के माध्यम से रीबिल्ड कर पा रहा था और भी खतरनाक होता जा रहा था। द फोर्थ रोबोट बिगन रिस्टोरिंग इटसेल्फ एंड समहाउ connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. क्योंकि ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसलिए बहुत सारी बड़ी कंपनी और बड़े लोगों ने इस बात को बिना एविडेंस के बोलने की वजह से इस बात को गलत बताया है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. क्या आपके हिसाब से ह्यूमंस के लिए एआई एक फ्यूचर में खतरा है? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।